हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल अप्पम, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसानी से घर के सामान से बन जाता है और बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्विक सी रेसिपी को। तो ये मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, इसके अंदर मैंने डाला है तेल। तेल गरम होते ही इसके अंदर हमें डालना है राई और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी जीरा। और अब इसके अंदर मैंने डाला है कड़ी पत्ता। और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बीन्स, जिसको मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी गाजर, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हो। और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक छोटी साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। अगर आप प्याज यूज नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी बारीक कट की हुई पत्ता गोभी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी शिमला मिर्ची, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज करें। और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। तो इसे ठंडा होते ही हम हमारे बैटर में इसे डाल देंगे। तो ये मैंने सूजी का बैटर लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। ये मैंने एक कप सूजी ली है और इसी के अंदर मैंने आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा के लिए रख दिया था। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी वेजिटेबल। आप चाहो तो वेजिटेबल को कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं और फ्राई करके इसे यूज़ करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, वो आप अपने स्पाइस के हिसाब से ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अगर आप चाहो तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर ग्रीन चिली को बारीक कट करके भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैंने डाला है इनो और अच्छे से मिक्स करेंगे। इनो डालने से ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये मैंने अप्पे ट्रे रख दी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। और अब इसके अंदर डालेंगे हमारा बैटर। आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं और बिना कवर किए भी पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे फूल के बाहर आए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे।
और अच्छे से दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। अपम को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अपम हमारे तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, वेजिटेबल अपम की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। और मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लो, और सामने जो बेल आइकन दी है उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ। थैंक यू।